वेलकम बैक टू हॉलीवुड हिंदी। आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है द हिचकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक यंग आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है आर्थर डेंट। एक सुबह जब वह उठता है तो देखता है कि उसके आसपास के ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहे हैं। बाहर आकर उसे पता चलता है कि हाईवे बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर उसका घर तोड़ रहे हैं। आर्थर उन सभी को रोकने के लिए क्रेन के सामने लेट जाता है। थोड़ी ही देर बाद फोर्ड नाम का दोस्त उसके घर आता है। आर्थर फोर्ड को कहता है कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर जल्द ही मेरा पूरा घर तोड़ डालेंगे। फोर्ड आर्थर को कहता है कि तुम्हारे घर से भी ज़्यादा कीमती चीज़ तबाह होने वाली है। फोर्ड अपने साथ लाई हुई सारी बियर कंस्ट्रक्शन वर्कर को दे देता है। बियर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो दोनों पास के एक बार में जाते हैं। फोर्ड आर्थर को बताता है कि वह दूसरी गैलेक्सी से है और जल्द ही अर्थ तबाह होने वाली है। आर्थर को फोर्ड की किसी बात पर भरोसा नहीं होता, तो फोर्ड उसे उन दोनों की पहली मुलाकात याद दिलाता है जब वह दूसरी गैलेक्सी से वहाँ अर्थ पर आया था। जब फोर्ड कार से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था और उसी समय आर्थर उसे आके बचाता है और बोलता है कि कार कोई रोबोट नहीं है। इसीलिए आर्थर का एहसान चुकाने के लिए फोर्ड आर्थर को अर्थ से बाहर ले जाना चाहता है क्योंकि अर्थ थोड़े ही टाइम बाद डिस्ट्रॉय होने वाली थी। फिर आर्थर फोर्ड को अपने लवर ट्रिलियन के बारे में बताता है। वो दोनों एक पार्टी में मिले थे और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन तभी एक पर्सन जिसका नाम जेफर्ड था वो अचानक से वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं दूसरी गैलेक्सी से आया हूँ। कम टाइम होने की वजह से आर्थर और वार्ड बाढ़ से निकल जाते हैं और देखते हैं कि आर्थर का पूरा घर डिस्ट्रॉय हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद एक बड़ा सा स्पेसशिप आता है। यह देखकर लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जब स्पेसशिप अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो फोर्ड आर्थर को रेस्क्यू करके एक स्पेसशिप में छुप जाता है। स्पेसशिप अर्थ को बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता था। फोर्ड आर्थर को बताता है कि वो दोनों वॉगन के स्पेसशिप में हैं। वॉगन एक स्ट्रेंज एलियन प्रजाति थी। ये प्रजाति लड़ाकू नहीं थी, लेकिन इन्हें जल्दी ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। उनके सुपीरियर के ऑर्डर करते ही वो सब कुछ ख़त्म कर सकते थे। हम वॉगन को स्पेस पेट्रोल कॉप भी समझ सकते हैं। वो तभी एक्शन लेते हैं जब उनका सुपीरियर उनको ऑर्डर देता है। फिर फोर्ड आर्थर के कान में एक इंसेक्ट डाल देता है जिसके कारण आर्थर सभी लैंग्वेज समझने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वॉगन उन्हें देख लेते हैं और उन्हें कैप्चर कर लेते हैं। उन्हें आउटर स्पेस में छोड़ दिया जाता है, लेकिन लकीली ही वो एक दूसरे स्पेसशिप में आ जाते हैं। वहाँ पर फोर्ड अपने कज़िन जेफर्ड से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। जेफर्ड पूरी गैलेक्सी का एक नया प्रेसिडेंट था। उसने प्रेसिडेंट बनने के लिए अपने कॉम्पिटिटर कैबुला को हरा दिया था। जेफर्ड के दो चेहरे थे और दोनों ही चेहरों की पर्सनालिटी डिफरेंट थी। आर्थर वहाँ पर अपनी लवर ट्रिलियन को देख के सरप्राइज्ड हो जाता है। उसे पता चलता है कि ट्रिलियन उस पार्टी के दौरान जेफर्ड के साथ आउटर स्पेस में आ चुकी थी। एक न्यूज़ आती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जेफर्ड ने एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्पेसशिप चुराई है। जोफेट की चोरी के चलते वाइस प्रेसिडेंट जिसका नाम क्वेश्चनर था, उन्होंने वॉगन के साथ टीम बनाई ताकि वह अपने प्रेसिडेंट जोफर्ड को वापस ला सके। जोफर्ड ने मैग्रेथिया नाम के प्लैनेट को ढूंढने के लिए स्पेसशिप चुराई थी। जोफेट सभी को एंशियंट रिकॉर्ड दिखाता है और कहता है कि करोड़ों साल पहले एक प्रजाति ने पूरे यूनिवर्स की लाइफ के ऊपर क्वेश्चन किया था, जिसका आंसर सुपर कंप्यूटर डीप थॉट को देना था। दो बच्चे डीप थॉट को देखने आते हैं। वो दोनों डीप थॉट से यूनिवर्स की लाइफ का आंसर जानना चाहते हैं, लेकिन डीप थॉट उन्हें 7.5 करोड़ साल तक रुकने के लिए कहता है। प्रेजेंट टाइम में 7.5 करोड़ साल गुजर चुके थे और वो दोनों बच्चे डीप थॉट से अपने क्वेश्चन का आंसर लेने आते हैं। मैगर्थिया के लोग बहुत ही खुश थे और सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि अब उन्हें आंसर मिलने वाला था, लेकिन डीप थॉट नाम का सुपर कंप्यूटर सिर्फ 42 बोलता है। ये आंसर सुन के सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछा था उसे समझने में डीप थॉट को कुछ परेशानी होती है। उन दोनों बच्चों ने अपने क्वेश्चन को समझाए बगैर ही यूनिवर्स और उसकी लाइफ के बारे में पूछा था, जिसके कारण आंसर 42 आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। इसी वजह से जेफर्ड को मैग्रेथिया जाना था और डीप थॉट से यूनिवर्स के बारे में क्वेश्चन करना था। जब वह रास्ते में होते हैं तो उन्हें कबूला का स्पेसशिप दिखाई देता है। जेफर्ड कबूला से पूछता है कि मैग्रेथिया जाने का एग्जैक्ट रास्ता कौन सा है। कबूला उन्हें एक शर्त के साथ रास्ता बता देता है और कहता है कि उन्हें उस प्लैनेट से एक वेपन लाना होगा और गारंटी के लिए वह जेफर्ड के दो सर में से एक सर काट लेता है। जब वो जाने लगते हैं तो वॉगन का ग्रुप उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है, ताकि आर्थर और उसके फ्रेंड ने जेफर्ड को किडनैप करा है। अनफॉर्चुनेटली वॉगन ट्रिलियन को पकड़ लेते हैं और अपने प्लेनेट ले जाते हैं। वो लोग ट्रिलियन को बचाने का एक प्लान बनाते हैं और मिनी स्पेसशिप लेकर वॉगन प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं।
फिर ट्रिलियन को पता चलता है कि वॉगन ने प्रेसिडेंट जेफोर्ड के ऑर्डर पर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसे वॉगन की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। प्रेसिडेंट की किडनैपिंग का दोषी होने के कारण ट्रिलियन को डुबाकर मारने की सजा दी जाती है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों एक रोबोट को स्पेसशिप पर भेजकर खुद ट्रिलियन को बचाने चले जाते हैं। वो तीनों वॉगन्स को एक पेपर दिखाते हैं जिसमें प्रेसिडेंट ने ट्रिलियन को रिहा करने के लिए लिखा हुआ था, और वो तीनों ट्रिलियन को छुड़ा लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट क्वेश्चनर को पता चलता है कि ट्रिलियन और उसके दोस्त अच्छे आदमी हैं, बल्कि उन्हें समझने में गलती हो गई कि ट्रिलियन और उसके दोस्तों ने जेफोर्ड को किडनैप नहीं करा। जेल से बाहर निकलने के बाद ट्रिलियन जेफोर्ड से बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसने अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था। प्रेसिडेंट जेफोर्ड की निगरानी करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट और वॉगन उनके पीछे जाते हैं। आखिरकार वो सभी मैग्रेथिया पहुंच जाते हैं। जेफोर्ड, ट्रिलियन और फॉर्ड पोर्टल के थ्रू डीप थॉट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आर्थर और मार्विन नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो इन तीनों का इंतज़ार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद इस्लार नाम का आदमी उनके पास आता है जिसका काम प्लेनेट बनाने का होता है। फिर वो आर्थर को अपना एक प्रोजेक्ट दिखाने के लिए ले जाता है। वो लोग डीप थॉट से यूनिवर्स के बारे में क्वेश्चन करते हैं, लेकिन डीप थॉट उन्हें कोई आंसर नहीं देता। क्योंकि उन्हें आंसर नहीं मिलता, इसलिए वो लोग कबूला के लिए वेपन ढूंढने लगते हैं। इस वेपन के एक शॉट के लगते ही सामने वाले को बहुत ज़्यादा ही पेन की फीलिंग होने लगती थी और वह सच बोलने लगता था। वेपन के मिलते ही ट्रिलियन उस वेपन को जेफर्ट पर यूज़ करती है ताकि उसे पता चले कि उसने अर्थ को डिस्ट्रॉय क्यों किया। तो वो बताता है कि वह एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसके और वोगन के बीच में, और ट्रिलियन को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने सेकेंड वर्जन ऑफ अर्थ ऑलरेडी बना रखा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्लार आर्थर को अपनी बनाई हुई नई अर्थ दिखा रहा है। आर्थर वहाँ पे देखता है कि लोग समुद्र बना रहे हैं, पहाड़ बना रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। स्लार ने आर्थर का एक नया घर भी बनाया था। जब आर्थर अपने घर के अंदर जाता है तो वह अपने ढेर सारे फ्रेंड्स को देखता है। जब आर्थर अपने तीनों दोस्तों से बात कर रहा होता है तभी वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर आकर वॉगन के साथ मिलकर ओपन फायर करने लगती है। वो चारों एक वैन के पीछे छुप जाते हैं। भी हमें दिखाया जाता है कि उनका रोबोट मैरविन मैग्रीथिया वाले वेपन से सभी पर फायर करता है। उस वेपन की मदद से वॉगन का पूरा ग्रुप बेहोश हो जाता है और उन्हें स्पेसशिप में डालकर उनके प्लेनेट पर भेज दिया जाता है। और जेफोर्ड और क्वेस्चलर एक दूसरे से मिलते हैं। आखिरी में वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो सभी यूनिवर्स के एंड वाले रेस्टोरेंट पर जाएंगे, और दूसरे साइड स्लार और उसके वर्कर अर्थ बना रहे होते हैं। और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।